ये ब्रूड मेयर है और इसकी जो एज है वो तकरीबन 8-9 साल है, और ये एक बावर घोड़ा था हमारे, उस घोड़े की बच्ची है। लाइन इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये बच्चे देने में इतने अच्छे बच्चे देती है कि बहुत ज़्यादा। इसकी जो गर्दन है वो देखिए आप, कितनी सुंदर गर्दन है। और ये अभी थोड़ी दुबली है, अभी टाइम लगेगा इसको, अभी सुपर नहीं करवाई मैंने, थोड़ी इसको तैयार कर रहा हूँ। जब तैयार होगी तो ये बहुत अच्छी घोड़ी बनेगी। इसकी जो हाइट है वो 61 इंच है और ये बच्चे लेने के लिए इतनी बढ़िया घोड़ी है। इसकी लाइन बहुत अच्छी है पहली बात तो, और दूसरी बात जो इसका कट कंडीशन है, इसकी गर्दन है, फेस ब्यूटी है, बहुत अच्छी है। और अभी ये क्या है कि अभी मैंने खरीदी है ये घर पे रखने के लिए, इसके बच्चे लूँगा मैं, अच्छे घोड़े से मेट करवाऊँगा और इसके बच्चे लूँगा आगे। आप मतलब कि अभी क्या है कि जो ब्रूड मेयर हैं वो थोड़ी अच्छी लाइन की कम मिलती हैं, रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए। मिल तो जाती हैं लेकिन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए। ये मैंने बहुत वाजिब रेट में ख़रीदी हुई है, वैसे भी घोड़ी अच्छी है ये। भैया इसमें छोटा सा सवाल लेते हैं हम। जी भाई, कि घोड़ी आप लेते हो जी, तो कई बार कहते हैं कि 10 लाख की घोड़ी अमूमन हम लेते हैं टाइम जी, तो बेचने के टाइम पर 1 करोड़ की घोड़ी कह देते हैं, क्या वो सच होता है या झूठ होता है सब कुछ? देखिए भाई, पहली बात तो जिसका जानवर है उसको अपना दाम मांगने का कोई उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन जो ज़्यादा दाम बोलते हैं कि हमने इतने का बेच दिया, इतने का लिया था, उनमें थोड़ा बहुत मसाला भी लग जाता है। रियलिटी कुछ और होती है, रियलिटी कुछ और होती है, मसाला लगाने वाले थोड़ा मसाला लगा देते हैं। लेकिन अभी क्या है कि जो अच्छे जानवर है वो अच्छे दाम में बिक भी रहे हैं, उनका कोई वो नहीं है। लेकिन वो जो है कि जो 15 लाख की घोड़ी है उसका अगर 55 लाख बोलेंगे कि 55 लाख की बिक गई, वो मसाले वाली बात ही है। जो सही रेट में बिकते हैं वो जानवर बिकते भी हैं, अच्छे जानवर। आजकल क्या है कि आजकल जो रेट हैं घोड़ों के वो बहुत हाई हो गए हैं, क्योंकि आजकल घोड़ों की दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग आ गए हैं, सेलिब्रिटी लोग आ गए हैं, तो उसकी वजह से घोड़ों का जो अभी दाम है बहुत अच्छे हो गए हैं। तो इसलिए क्या होता है कि रेट तो बढ़ ही चुके हैं, अच्छे जानवर का दाम भी मिलता है, लेकिन वो जो मसाला लगाने वाले हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतना ज़्यादा मसाला ना लगाएं, क्योंकि जो नए लोग हैं वो आपका मसाला सुनकर ही भाग जाते हैं कि इतने इतने बड़े इतने इतने रेट के घोड़े हो गए। तो वो नया आदमी जो है, आम छोटा जिम्मेदार है, वो घोड़ी खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि आपके मसाले में ज़्यादा हो जाता है मसाला, तो उसकी वजह से थोड़ा मसाले की कृपालता करें आपकी, ज़्यादा ना। सही बात है, किसी ने अगर लेना भी हो उसके मन में भी हो तो उसका बजट ही नहीं बनता। देखो, जो बड़ा आदमी है ठीक है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो पैसे अच्छा जानवर भी खरीदेगा और पैसे लगाने में भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक जो छोटा आदमी है और उसने पहली बार घोड़ी खरीदनी है, वो लोगों के इंटरव्यू सुन के ही भाग जाता है, क्योंकि लोग बातें इतनी इतनी बड़ी करते हैं, तो वो सोचता है यार कि इतना महंगा घोड़ा मैं कहाँ से खरीदूँगा। इतने जितने लोग बातें करते उतने उतनी की तो क्या, 2-3 बीघे कोई ज़मीन लेगा, जो ज़मींदार है वो तो ज़मीन पे जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि घोड़ों के रेट सही बताएं, अगर किसी को कल को किसी छोटे ज़मींदार को लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि घोड़ों का जो सिस्टम बढ़ना चाहिए, अभी बहुत बढ़ रहा है, तो लेकिन आप घोड़ों के काम में सच बोलोगे तो वो लोगों को भी अच्छा लगेगा, सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा और लेने वालों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट घोड़ी कौन से दिखा रहे हो आप भैया, घोड़ा या घोड़ी दिखा रहे हो? नेक्स्ट घोड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, घोड़ा चॉपर, जो फेमस घोड़ा है हमारा राइड के लिए, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है और काफ़ी राइडें जो कर चुका है। ठीक है भैया, वो देखते हैं अभी। जी ब्रदर, इस घोड़े का नाम है चॉपर, और ये मेरे हिसाब से ये सभी घोड़ों वाले और क्या है कि घोड़ों की दुनिया वाले और घोड़ों की जो दुनिया से बाहर हैं वो भी इस घोड़े को जानते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस घोड़ा है और इसका राइड का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये 615 किलोमीटर की राइड इसने 11 दिन में की थी, जो हमारा वर्ल्ड रिकॉर्डेड राइड थी। उसके बाद इसने एक 300 किलोमीटर की राइड की, फिर इसने जो दिल्ली में किसानी संघर्ष चल रहा है उस राइड में भी ये मेरा घोड़ा गया था, इसके ऊपर मैं राइड करके गया था। ये मेरा सबसे फेवरेट घोड़ा है और इसको कोई भी खरीद नहीं सकता, क्योंकि ये नॉट फॉर सेल है और इसका कोई दाम नहीं है। अगर कोई सोचेगा कि इसको मैं पैसों को खरीद लूँगा तो इसको कोई भी खरीद नहीं सकता। राइडिंग के लिए ये इतना अच्छा घोड़ा है, अगर इसके ऊपर सोचेंगे ना हम कि इसको आज 50 किलोमीटर जाना है
तो ये 50 किलोमीटर जाके भी इसको ऐसा लगेगा कि मेरे को और आगे लेके जाना, तो ले जाओ। इसका जो हुप साइज है और ये बोन स्ट्रक्चर है, इतने बड़े घुटने हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि इसके स्वेलिंग आई हुई है। और इसका नेचुरल साइज है ये, इसकी एज तकरीबन 6 साल हो गई है। और ये हमारे पंजाब की फेमस लाइन है मजूका लाइन, उस लाइन का घोड़ा था एक फौजी, उस घोड़े का बच्चा है ये। और मेरे हिसाब से राइडिंग पर्पस के लिए मैंने बहुत ज़्यादा घोड़े रखे हैं, लेकिन इससे अच्छा घोड़ा कोई भी नहीं है। और इसको सिर्फ एक चलाने वाला चाहिए, और ये सोचेगा नहीं कि मैंने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। इसको किधर से भी लेके जाओ, कितनी दूर लेके जाओ, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जो पुष्कर की राइड थी वो 11 दिन में की थी। उस वक्त 5 घोड़े थे हमारे साथ, ये उन 5 घोड़ों में से सबसे ज़्यादा तेज चलने वाला घोड़ा था। इसके बाद मैंने एक गंगानगर की राइड की, उस राइड में भी ये घोड़ा गया। वो मेरी राइड तकरीबन 3 दिन की थी। छोटी राइड करता हूँ मैं, उसका तो कोई इसका मेरे को याद ही नहीं है कि मैंने 20-20, 25-25 किलो, 30-30 किलोमीटर की कितनी राइड की है, उसका को मेरे को अंदाज़ा नहीं है। अभी मैं इस पे किसानी में गया था, तो मेरी राइड थी 350 किलोमीटर की, और मैं 6 दिन में उस राइड में पहुंचा था। ये ऐसा घोड़ा है कि इसको ऐसा नहीं है कि कभी कई कुछ घोड़े ऐसे होते हैं कि जिनको कच्चे में चलते हैं और कई घोड़े पक्के में नहीं चलते। ये मेरी दिल्ली की जो राइड थी उस राइड में, या सारी राइड पक्के में थी इसकी, सारी राइड पक्के में गया इसको। और इसको एक दिन भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि इसको कोई ऐसा लगे कि मेरे को रुकना है या नहीं रुकना। और ये सारा दिन चलता था, और मेरे हिसाब के इसको ऐसा लगता था कि यार मेरे को और आगे लेके जाना, तो ले जाओ। या जब राइड करते हो आप जी, तो लगातार कितने किलोमीटर हम एक दिन में कवर करते हैं? देखो जी, जो हमारी दिल्ली वाली राइड थी वो एक दिन का हमने जो पहला दिन था उस दिन ये काफ़ी टाइम से ये भी खड़ा हुआ था, तो और उस दिन ये जल्दबाजी बहुत कर रहा था क्योंकि अकेला घोड़ा था। जब ज़्यादा घोड़े होते हैं तो घोड़े आराम से चलते हैं, जब अकेला घोड़ा तो थोड़ी जल्दबाजी बहुत करता है ये। उस दिन हमने ये 65 के करीब पहला दिन कंप्लीट किया था, क्योंकि हमारा उस दिन टारगेट था, मेरे मामा जी का फार्म है सिरसा के पास, खेव वाली गाँव है, वहाँ पर हमारा टारगेट था कि हमने वहाँ पर जाके नाइट स्टे करना है। तो उस दिन हमने 65 किया था। उसके बाद जो हमारा राइड कवरेज थी वो थी 50 से 55 किलोमीटर की, कि हमने जितनी भी राइड की हैं वो सभी राइड 50 से लेके 55 किलोमीटर की ही एवरेज स्पीड पड़ती है मेरे को, क्योंकि हम सुबह राइड करते हैं 4 बजे या 5 बजे स्टार्ट कर ली तो 9 बजे तक सुबह राइड करते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है, ब्रेकफास्ट के लिए घंटा स्टे करते हैं, फिर उसके बाद जब हम स्टार्ट करते हैं तो फिर हम राइड करते हैं 2 बजे तक। 2 बजे के बाद हम घोड़े को रोक देते हैं, उसके बाद हम शाम को चलते हैं 4:30-5 बजे। तो फिर हमें लगता है कि जितना टाइम लाइट ऑन नहीं होती गाड़ियों की उतना टाइम हम राइड करते हैं, क्योंकि वैसे तो हमारे पास पूरा प्रबंध होता है लाइट का, क्योंकि घोड़े के आगे पीछे 2-2, 3-3 गाड़ियाँ चलती हैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन हम सेफ चलते हैं। फिर भी कच्चे में चलना हो तो कच्चे में तो रात को थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन पक्के में हम जब बड़ी रोड आती है उसमें तो कोई हम राइड नहीं करते, क्योंकि उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए जल्दी घोड़ा रोक देते हैं। ऊपर इसने कहते हैं कि बहुत सारी, भैया का भी कहना है और भैया ने खुद भी राइड की है, भैया घोड़े के साथ आदमी में भी हिम्मत चाहिए ना इतनी लंबी राइड करनी। बिल्कुल, जितनी राइड की है इस घोड़े के ऊपर सारी मैंने ही की है। आपने खुद ही की है? हाँ, मेरा इसके ऊपर कोई भी आदमी नहीं बैठता, जितनी राइड की है सारी मैंने की है। भैया इसकी अपडेट आप स्नैपचैट में डालते रहते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास ऑन रॉकेट है। एक तो बोलने की राइड होती है कि हमने इतनी किलोमीटर की कर ली, मेरी सारी ऑन रॉकेट राइड है। जो मेरे साथ स्नैपचैट पे जुड़े हुए हैं लोग, उनको सभी को पता है कि मैं कितने बजे घोड़े पे स्टार्ट करता था राइड, और कितने बजे ब्रेकफास्ट करता था, कितने बजे लंच करता था, कितने टाइम का मेरा रेस्ट होता था, कितने बजे मैं कहाँ रुका था, किस होटल में रुका था, क्योंकि मेरा स्नैपचैट पे सारा ऑन रॉकेट होता है कि मैं 5-5 मिनट के बाद स्टोरी डालता रहता हूँ स्नैपचैट पे। पुष्कर वाली राइड थी उसकी भी स्टोरी सारी फेसबुक पे, सॉरी स्नैपचैट पे थी, और जो मेरी सभी राइड की जितनी मैं राइड करता हूँ सारियों की मैं स्नैपचैट पे स्टोरी डालता रहता हूँ। जो मेरे साथ स्नैपचैट पे जुड़े हुए हैं उनको सभी को पता है कि मैं कितनी कितनी दिन में राइड करता था। तो इस घोड़े पे ऊपर मैं ही राइड करता हूँ, और किसी को मैं अलाउ नहीं करता कि मेरे घोड़े के ऊपर कोई राइड करे, क्योंकि ये मेरा सिर्फ और सिर्फ
राइडिंग के लिए घोड़ा रखा हुआ है। दोस्तों कमेंट करना कि आपको चॉपर कैसा लगा। ये मैंने एक गलती कर ली थी, बेच दिया था एक बार, बहुत बड़ी गलती हो गई थी मेरे से। तो अभी ये नॉट फॉर सेल है, इसको कोई भी नहीं खरीद सकता, मतलब दिल के इतने करीब हो गया ये। हाँ, इसको कोई भी अगर सोचे ना कि मैं पैसों से खरीद लूंगा तो कोई भी नहीं खरीद सकता इसको, मतलब इसकी वैल्यू डालना ही बेकार है। बिल्कुल 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 दोस्तों, ये देख सकते हो इसके बच्चे भी आए हुए हैं। ये नहीं है कि ये राइडिंग हॉर्स है, इसके बच्चे जो आए हुए हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत आए हुए हैं, क्योंकि इसका खुद का कट कंडीशन बहुत अच्छी है, गर्दन बहुत अच्छी है, कान बहुत अच्छे हैं, फेस वैल्यू बहुत अच्छी है, बैक बहुत अच्छी है, बॉन साइज तो इतना बड़ा घोड़े का आता ही नहीं है। देखो हूफ कितने बड़े हैं, इतने बड़े हूफ किसी घोड़े के होते ही नहीं है। भैया एक चीज़ और, जैसे आप कह रहे हो इसकी मेटिंग भी देते ही होंगे आप। नहीं, अभी मैं मेटिंग नहीं देता हूँ। वो रीज़न क्या भैया? अभी क्या आता है कि मेरा ये सिर्फ राइडिंग के लिए रखा हुआ है मैंने, तो थोड़ा घोड़ा प्रॉब्लम करने लग जाता है। अगर कोई मेरा खास आ जाए, बहुत खास, तो उसको मैं मीटिंग दे देता हूँ, नहीं वैसे मैं मीटिंग नहीं देता। चलो दोस्तों, आपको कुछ नॉलेज बनी होगी और चॉपर देख लो आप। भाई साहब ये है सिंधी नस्ल के घोड़े और इसका नाम है गोल्ड चैलेंजर। की हाइट है ये तकरीबन, हाइट होगी 57-58 की हाइट है, जो ये नस्ल है इसकी हाइट इतनी होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे रिवाल चाल बोल देते हैं उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ये अभी नई उम्र का घोड़ा है, तकरीबन 4 दांत होगा ये, और इसकी जो अभी स्पीड है 35 की स्पीड पे चलता है ये। अभी इसको थोड़ा डाइट वाइट देंगे, क्योंकि अभी ख़रीदा है 15-20 दिन पहले, तो अभी इसके अंदर कोई जान भी नहीं है ज़्यादा, तो अभी ये तैयार होगा जब, तो इसकी हाइट जो स्पीड है इसकी बहुत बढ़ जाएगी। वो ये सिर्फ और सिर्फ रिवाल चाल के यूज़ होते हैं, इनका कॉम्पिटिशन होता है पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, सभी जगह पर कॉम्पिटिशन होते हैं इनके, और ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए यूज़ होते हैं। और ये देखने में सुंदर नहीं होते बिल्कुल भी। नहीं, देखने में भैया सुंदर ही है, ऐसा नहीं है। हाँ, कि सुंदर नहीं है, मतलब तो उनके मुकाबले सुंदर नहीं होते। हाँ, उनके मुकाबले, दूसरे घोड़े के मुकाबले सुंदर नहीं होते। और मैं ही इस पे बैठता हूँ, और आप सोचोगे कि भाई इतने बड़े छोटे घोड़े पे आप कैसे बैठ जाते हो। ते हैं ना जब ये, तो एक हार्ले पे बैठ के और इस पे बैठ के सेम ही बात है। किसी आम आदमी को देखने का तो ऐसा लगेगा कि ऐसा एक खच्चर बांध रखा है घर पे, खच्चर ही है। तो भैया इसका प्राइस का क्या रहता है वैसे? प्राइस भाई देखो, इनका कोई प्राइस नहीं है, किसी ने इनको इसको देख के ख़रीदना है, इसका प्राइस होगा 25-30 हज़ार रुपये। अच्छा, ठीक है। अगर इसको इसके जिसको इसके बारे में नॉलेज है और इसकी नस्ल देखेगा और इसकी चाल देखेगा, तो फिर इसका प्राइस 5 लाख भी कम है। अच्छा, मतलब इतना प्राइस भी चला जाता है। तो भैया ये 15-15, 20-20 लाख रुपये में बिकते हैं ये वाले, ये चाल वाले घोड़े। अच्छा, मतलब इसकी चाल से डिसाइड होता है इसकी क्वालिटी कैसी है। ये कम से कम जो घोड़ा अच्छी नस्ल का घोड़ा है और नया घोड़ा है, जिसको पता चलता है कि ये बढ़ने वाला घोड़ा है, उसका कम से कम जो रेट है वो 2 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। अच्छा, अच्छे घोड़े का और अच्छी नस्ल के घोड़े का, जिसका हमें पता है कि ये घोड़ा जब चलेगा तो तैयार होगा तो बहुत अच्छा चलेगा। भैया कितने वैसे आपके पास कितने हैं इस टाइम पर सिंधी? मेरे पास सिंधी 2 घोड़े हैं, घोड़ी है। अच्छा, तो ये घोड़ा है जो इसकी स्पीड है 35, और मेरे पास एक और घोड़ा है स्ट्रॉम, वो कमैत कलर का है, उसकी हाइट भी इतनी है, वो भी अभी 35-37 चलता है। इनको भाई शौक है ना, उनको पता है, उनको प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, वो तो फैन है इन घोड़ों के। अच्छा, वो फैन है। तो दूसरी घोड़ी है अभी वाइट जेट, उसको मैं आपको रस्से से चाल चला के दिखाऊंगा, वो नीचे से चाल चलती है। दोस्तों ये देखो कैसी मूवमेंट है इसकी, मतलब अलग है कि हवा में चल रहा है जैसे घोड़ा। ये देख सकते हो इसकी पैरों की चाल, देख सकते हो आप, मुझे तो बड़ा प्यारा लगा। आप भी कमेंट कर सकते हो आपको सिंधी घोड़े कैसे लगे। इसमें कलर क्या क्या आते हैं भैया वैसे? ये सभी कलर में होते हैं भाई। अच्छा, ये घोड़ी आ गई इसकी, कि भी हाइट भैया उससे सेम ही लगती है इसका, ये नहीं होता। इसकी हाइट ज़्यादा है। हाँ जी, ये हाइट में होगी 61 मेरे हिसाब से। अच्छा। 60 और 61 होगी। और ये घोड़ी देखने में तो मारवाड़ी टच की है। अच्छा, ठीक है। इसके कान वान अच्छे हैं, जो कान का जो ये स्किन होती है ना, ये इतनी ज़्यादा पतली होती है, देखो ये। अच्छा, स्किन पतली है इसकी। हाँ, उसी की भी पतली थी। ठीक है, जो पतली स्किन का घोड़ा है वो सिंधी घोड़ों में से उसको बढ़िया माना जाता है। ये घोड़ी दिखने में तो लग रही है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब तो ये बहुत प्यार हो गई, 1 महीना हो गया मेरे पास आए हुए। जब लेके आया था तो उस वक्त ये ऐसी थी कि इसको ऐसे धक्का दे देते तो ये गिर जाती, लेकिन अगर इस घोड़े की स्पीड आप माप लें, तो मैं इसको कस के भी चलाता हूँ ना, इसको रोक के चलाता हूँ,
तो ये 40 की स्पीड पे चलती है। जो हमारे घोड़ों वाले हैं ना, जो सिंधी घोड़ों वाले हैं, कंपटीशन वाले हैं, वो जो आज जिसका घोड़ा 40 चलता है ना, वो सारी जगह पे फर्स्ट आता है। क्या बात है। और ये देखने में कुछ भी नहीं है, देखने वाले को ऐसा लगेगा कि इसके अंदर है क्या। तो भैया आप एक बता रहे थे कि जब मैंने ली थी उसकी हालत पतली थी, बहुत हालत गंभीर गंभीर हालत थी इसकी। मतलब आपने इसकी सेवा की है बस। मतलब कि ऐसा है कि इसको अगर ऐसा धकेल देते ये गिर जाती। अभी तो ये इसको हाथ लगाते तो ये पीछे से आगे से। उस वक्त इसके अंदर कुछ भी नहीं था, इतने इतने बड़े पैर थे इसके, ठीक है। और सारी ये बेचारी अभी तो इसके अंदर दिख रहा है कि घोड़ी है। चलो दोस्तों, अगर आपको ये पसंद है भैया की घोड़ी, वाइट जेट है इसका नाम, तो भैया का नंबर तो नीचे मिलेगा ही आपको। और कुछ भी इसकी जानकारी जो वीडियो में हम नहीं दे सके, आप भैया को सीधे कॉल करके कंसर्न भी कर सकते हो। भाई घोड़ों का काम करना चाहता है तो वो बहुत बढ़िया बात है। घोड़े रखना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के समय में घोड़े रखना, लोगों के पास घोड़े हैं वो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं, और बहुत अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन घोड़ों का काम कर रहे हैं, घोड़ों का शौक पाल रहे हैं। तो जो भी घोड़ों रखना चाहते हैं वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे फॉर्म पे विज़िट कर सकते हैं। तो आपने अगर कोई घोड़ा ख़रीदना है, जहाँ आप घोड़ा ख़रीद के आपके पास जगह नहीं है घोड़ा रखने के लिए और आप घोड़ा ख़रीदना चाहते हो, हमारे पास सुविधा है। अगर आप घोड़ा ख़रीद के हमारे फार्म पे रखना चाहते हो तो वो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका घोड़ा ख़रीदा हुआ, हमसे घोड़ा अगर ख़रीदोगे आप हमारे फार्म पे छोड़ना चाहते हो, तो हम उसके लिए भी उसकी सेज संभाल कर सकते हैं। मेरे भाई साहब स्कूबर के फार्म पे आए हैं और मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। कि भाइयों को बताना चाहता हूँ, जो भी ये चैनल देख रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।